कानपुर के बिकरू कांड में आईपीएस अनंत देव तिवारी को बड़ी राहत मिली है। आईपीएस अनंत देव तिवारी को विभागीय जांच में क्लीन चिट दे दी गई है। जब बिकरू कांड हुआ था तब आईपीएस अनंत देव कानपुर के एसएसपी थे। मामला 2 जुलाई 2020 का है, जब रात कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में पुलिस कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई थी। घात लगाए बैठे विकास दुबे गैंग के सदस्यों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। इसमें एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। जांच के बाद कानपुर नगर में तैनात तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को निलंबित कर दिया गया था। 2 साल बाद ही उनकी बहाली हो गई। उनको डीआईजी एसटीएफ के पद पर तैनाती मिली थी। वहीं अनंत देव तिवारी के निलंबन के बाद इस मामले की जाँच आईपीएस अफसर नीलाब्सा चौधरी को दी गयी थी। अब विभागीय जाँच में आईपीएस अनंत देव तिवारी को पूरे मामले में क्लीन चिट मिल गयी है। आपको बता दें, अनंत देव इसी साल रिटायर होने वाले हैं। बता दें, अनंत देव पर आरोप था कि विकास दुबे पुलिस और प्रशासन से मिली भगत कर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। साथ ही अनंत देव पर विकास दुबे पर मेहरबान होने का भी आरोप है। ये भी आरोप था कि एसएसपी रहते हुए अनंत देव की अनदेखी के चलते ही विकास दुबे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया था। आपको बता दें, बिकरूगांव की घटना के बाद मामले के मुख्य आरोपी विकास दुबे की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने दुबे की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में छापेमारी भी की थी। घटना के हफ्ते भर बाद पुलिस ने विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश से जब विकास दुबे को यूपी लाया जा रहा था, उसी वक्त विकास दुबे ने हथियार लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगे थे। हालांकि 3 सदस्यीय जांच आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी।